माय यूट्यूब चैनल कनक झा। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मैंने नहाया है गाइस, मेरे हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके लिए मैं क्या करूँ? ये देखिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। बहुत काफ़ी मेरा हेयर फॉल्स हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट तो मुझे बहुत जल्द लेना होगा, तो घर जाएंगे तो लेंगे। और अभी हम नहाए हैं क्योंकि सुबह में थोड़ा काम था, उसकी वजह से नहीं नहाए थे। और ये देखिए रूम कितना क्लीन करके रखे मेरे यहाँ। अभी मेरी मेड भी नहीं आ रही है, उसका तबीयत ख़राब हो चुका है तो वो नहीं आ रही है। और यहाँ पे हमने पहना है लोअर। जा रही हूँ, अब जा रही हूँ मैं, एक सब्ज़ी बना रही हूँ आज, वो आप लोग बताना। यहाँ पे दिखाती हूँ मम्मी की है, और बर्तन वगैरह मैं जो धोई थी वो सेट कर रही हैं। मैंने यहाँ पे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था वो सब्ज़ी जो मैंने अभी बनाया था। ये देखने से किस चीज़ की सब्ज़ी लग रही है आप बताना, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये किस चीज़ की सब्ज़ी है जो मैं अभी जा रही हूँ आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है लेके जा रही हूँ डैडी को देने के लिए। चाय इस, यहाँ पे हमने तेल रख दिया है गरम होने के लिए। जब तक ये गरम होता है इसे फ्राई करना है, तब तक हम अपना चाय पी लेती हूँ। गाइस मैं के में रहो तो दिन भर सोना खाना बस यही रह जाता है, मगर बहुत सुकून मिलता है। बट पता है अब मेरा मन नहीं लग रहा यार, पता नहीं क्यों। अब बाबू की याद बहुत आती है, अब मैं चली जाऊंगी बहुत जल्दी। फाइनली इस तरह से हमने पूरा फ्राई कर लिया है, अब इसका हम ग्रेवी लगाएंगे। थोड़ा सा और बचा हुआ है, हमने कट करके इस तरह से क्यूब बना के सारे को फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। उसके बाद इसमें मैंने प्याज टमाटर और थोड़ा सा गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला डाल के सीटी लगाया है। और ये किस चीज़ की सब्ज़ी है ये तो मैं खुद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मगर आपको बताऊँगी कि ये किस चीज़ की सब्ज़ी है, बहुत इजी वे में बनता है और कैसा बनता है ये तो मैं खुद पहली बार बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ कहा जाता है ना कि लोग सीख के नहीं आता है, कोई भी चीज़ आदमी को सीखना ही पड़ता है, तो इसलिए जो है हम ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद बताएंगे कि क्या बनाना है। और मेरा बेटा गया है मार्केट, देखिए वो क्या लाता है, उसका तो डिमांड ही कुछ अलग होता है, देखते क्या। पनीर की ग्रेवी की तरह इसे रेडी कर लिए, जैसे बनाते हैं सारे मसाले मलाई इसमें डाले थे। इसको कैसे बनाते हैं, अगर ये अच्छा बना तो इसकी रेसिपी मैं अलग से लेके आऊँगी। यहाँ पे पूरा फ्राई कर लिए हैं, बनाने के लिए थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा ली थी मगर रील्स बना नहीं पाई। और बाबू गया है, बाबू रोने लगा था इसलिए, वो भी पापा के साथ गया था वो मार्केट। पापा भी ना बच्चों की तरह से परेशान कर देते हैं, मार्केट गया था कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब ले आया है, मगर उसे जो खाना था ना वो पापा ने खरीदे थे, तो वो रोने लगा था। पापा को लगा कि कोल्ड ड्रिंक ब्रेड वगैरह सब ले लिया था। और यहाँ पर देखिए दिखाते हैं आपको, सब लेके ये यहाँ पे आया है और कोल्ड ड्रिंक में फ्रीज में डाल दी हूँ। सॉस लेके वो आया तो अभी गया है, देखिए क्या लेके आता है। कुछ ना कुछ उसको चाहिए, बच्चे नाना के यहाँ इतने बेकार हो जाते हैं ना कि पूछो मत, डांटो तो बोलेंगे कि मेरे पास कुछ दिन के लिए आया है, वहाँ जाएगा तो शासन में रखना, वहाँ के लोग बोलेंगे यहाँ शासन में मत रखो। लड़कियों को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो बच्चे का केयर करे तो करे क्या, बोलिए तो बुरा लगेगा, नहीं बोलिए तो बुरा लगेगा, समझाओ तो कुछ समझ नहीं, सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है यार। और आज बाबू को खाना है नान खाना है और पनीर की सब्जी, तो पनीर की सब्जी से बोले होममेड पनीर बना रहे, पनीर रख दी है यार, आज भी पनीर कल भी पनीर, पनीर पनीर खाते दिमाग ख़राब हो जा रहा है। हमेशा कुछ पूछो क्या खाओगे तो कहता है पनीर ही खाएगा, पनीर ही खाता है। और यहाँ पे होममेड पनीर बनाए हैं तो उसे बहुत टेस्टी लगा है, तो वो बताऊँगी जब वो खा लेगा तब कि ये किस चीज़ का सब्जी है। सब्जी हो चुका है मेरा रेडी, और यहाँ मैं जा रही थी नान का आटा गूंदने के लिए। आज नान बनाएंगे, बाबू को बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पे नान बनाएंगे, बट मंगरेला ख़त्म हो चुका है, वो आता है तब उसे मंगवाती हूँ, तब इसको गूंदूँगी। मेरा बेटा आ गया है, देखते हैं क्या लेके आया है, चलिए दिखाते हैं। मेरे लिए लेके आया है, तब दे, तुम सब खा लेते हैं। तुम खा लिए हो तो जब खा लिया तो फिर क्यों खाएगा। मार्केट गया था और हमारे लिए भी मोमोज़ लेके आया है। मोमोज़ इसको इतना पसंद है, इतना पसंद है कि डेली मोमोज़ खाता है। इतना खिलाना अच्छा नहीं लगता मगर लगता है कि बच्चा है तो पसंद है तो थोड़ा खा लेने दो। से लेके आया है मोमोज़ और फिर मैंने उसको भेजा था मंगरेला लाने के लिए। अब मैं जा रही हूँ नान बनाने, भैया ऑफिस से आया है तो मम्मी चाय बना रही है तो सोचा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर बनाऊँगी। फाइनली गाइस अब आया है टेस्ट करने का टाइम, और यहाँ पे देखिए मैं आज बना रही हूँ होममेड पनीर की सब्जी।
और यहाँ मैं बना रही हूँ नान। आप बताना कि खा के कैसा लगा, टेस्ट करना। पहले सबसे पहले आपको टेस्ट करवाऊंगी। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मेरा इतना देखिए गर्मो गर्मो नान, बताना कैसा लग रहा है। घर में बनाइए बच्चों के लिए, होम मेड के लिए। साहब मिठाई खा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं खाने रसगुल्ला, नहीं सॉरी दही बारा, दही बारा, यम्मी यम्मी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनक झा। कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे हो। आज हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ और आलू गोभी की फ्राई बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी फ्राई करके, और देखते क्या बनाएंगे, कब तक आते हैं। गाइज मैं आपको बताना भूल गई थी रात में कि कल हमने जो सब्जी बनाया था वो लौकी की सब्जी थी और अच्छा बना था, टेस्ट भी अच्छा था, मगर वो लौकी की सब्जी थी और मेरा बेटा उसको पनीर समझ के खाया था, अच्छा लग रहा था इसलिए। फाइनली मेरा खाना हो चुका है बन और यहाँ पे मैं लास्ट नान सेक रही हूँ। यहाँ पे देखो मैं दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या बनाई हूँ। यहाँ पे देखिए एक लास्ट, ये मैं बच्चों के लिए घर में ही बनाती हूँ होम मेड नान टाइप से कि बच्चे खा लें और मेरा बेटा को बहुत पसंद है। तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे मैं देखिए बनाई हूँ नान, परवल का भरुआ और यहाँ आलू गोभी की फ्राई बनाई हूँ। यहाँ बनाए हैं मटर पनीर की सब्जी और बनाई हूँ दाल। दाल को अभी फ्राई नहीं किया है क्योंकि ठंडा दाल अच्छा बनाती, खाना खा रहे हैं। हो गया, कैसा बना था? 5 स्टार। इसे तो पनीर और नान दे दो तो बहुत अच्छे से। हाँ, धो के आने के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। गाइस बहुत थक चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत। तो हम देखिए नहा वहाँ लिए हैं, पूजा वगैरह सब कर लिए हैं, खाना वगैरह सब कुछ हो गया। अब जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि फिर मिलते हैं शाम में। अभी तक गस्तियाँ हैं, जब आ जाएंगे उसके बाद देखेंगे और कौन आ रहा है, वो तो आपको आने के बाद पता चलेगा। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और शाम में उठ के बाबू का प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, तो उसके संग मिलते हैं। तो चलिए बाय बाय।